सिंह की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हर गुरुवार 9 से 10 हिंदी के इस व्याख्यान कार्यक्रम में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो भारतीय साहित्य परंपरा से लेकर आज तक एक विशेष दृष्टि और विशेष विकास पाया हुआ है। हिंदी नाटक कहाँ से प्रारंभ हुए, भारतीय साहित्य का या भारतीय नाटकों का उस पर क्या प्रभाव रहा, पश्चिमी नाटक या अन्य विधाओं के साथ नाटकों का भारत में और हिंदी भाषा में कैसे जन्म हुआ और उसका विकास कैसे हुआ, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर बिंदु बहन भट्ट, जो नाथीबा कॉमर्स कॉलेज और उमा आर्ट्स कॉलेज गांधीनगर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में और गुजराती साहित्य के क्षेत्र में उनका विशेष प्रदान रहा है। गुजराती साहित्य में दो नवल कथाएं देकर, खास करके मीरा याज्ञिकनी डायरी और अखे पात्र, दो नवल कथा देकर हिंदी साहित्य गुजराती साहित्य की सेवा तो की ही है, उसके साथ उन कृतियों का हिंदी में अनुवाद भी हुआ है। अखे पात्र को लेकर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। वार्ता साहित्य में उन्होंने जो बांधड़ी नामक संग्रह दिया है, गुजराती साहित्य का ये प्रदान हिंदी में आकर भारतीय साहित्य का प्रदान बन गया है। उन्होंने विवेचन के क्षेत्र में अपनी लेखनी आजमाई है, खास करके अद्यतन हिंदी उपन्यास नाम से विवेचन दिया है जो बड़ा बड़ा चर्चा में रहा है, विद्वानों ने जिन्हें सराहा भी है, और रंगकर्म पर, नाटक के रंगकर्म पर उन्होंने एक विशेष किताब देकर अपनी विवेचन दृष्टि को प्रस्तुत किया है। उन्होंने अनुवाद के क्षेत्र में अपना एक विशेष योगदान दिया है। अभी 6 दिवस का सेमिनार पूरा करके आई है और ऐसा कहे कि उनकी दृष्टि में अलग अलग भाषाएं, मराठी है, कन्नड़ है, उन भाषाओं तक पहुंचना और उन भाषाओं से हिंदी में साहित्य को ले आना और पूरे भारत को उससे परिचित करवाना, ये उनका अपना एक नजरिया रहा है। और अनुवाद के माध्यम से मैडम ने पूरे विश्व साहित्य तक पहुंचने का एक प्रयत्न किया है और भारतीय साहित्य को वहां तक पहुंचाने का, विश्व साहित्य तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है। आज हमारे साथ मैडम बिंदु बहन उपस्थित है, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अब हम बात जो करने जा रहे हैं, मोहन राकेश नाटककार के रूप में मोहन राकेश का नाटक के क्षेत्र में क्या प्रदान है, इस विषय पर बात आज हमें करनी है। तो मैडम को मैं गुजारिश करता हूं कि हिंदी नाटक की भारतीय परंपरा क्या रही है और उसमें भारतीय परंपरा से हिंदी नाटकों का जन्म या पश्चिमी परंपरा से हिंदी नाटकों पर जो प्रभाव कैसा रहा है, प्लीज बताइए आप। धन्यवाद भरत भाई, आपने एक भूमिका बना दी है तो मैं उसी मुद्दे को लेकर आगे चलती हूँ। हमें मोहन राकेश पर बात करनी है, लेकिन एक नजर हम इसलिए हिंदी नाटक की परंपरा पर डालेंगे क्योंकि मोहन राकेश की जो शख्सियत बनी नाटककार के रूप में, उसके पीछे हिंदी नाटक का पूरा एक विकास भी है। आप सब जानते हैं कि मध्यकाल में हिंदी साहित्य में केवल कविता है, गद्य का कोई स्वरूप हमारे विकसित नहीं हुआ है। आधुनिक काल में जाकर और खास करके भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रयास से 1867 से हिंदी का आधुनिक काल शुरू होता है और वो एक तरह से गद्य युग है। और भारतेंदु वो एक ऐसी प्रतिभा थी, बहुमुखी प्रतिभा थी, कविता तो लिखते थे ब्रजभाषा में लेकिन उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से हिंदी कहानी, हिंदी निबंध, हिंदी यात्रा वर्णन और हिंदी नाटक के लिए एक पूरी जमीन तैयार की। मैं कहूंगी कि भारतेंदु एक पहले ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने संस्कृत नाटक की परंपरा और पश्चिम के नाटक की परंपरा को हमारे लोक नाटक की परंपरा के साथ जोड़ा और इस तरह से एक भूमिका बनाई। लेकिन एक थोड़ा सा इतिहास में ऐसा मोड़ आया कि ऐसा लगने लगा कि नाटक मानो केवल किताब में छपे हुए अक्षर है। नहीं, ऐसा नहीं है। पर यह हादसा क्यों हुआ, उसका कारण यह है कि हिंदी में जो छायावादी काव्य रचनाएं आई उसी दौर में एक ऐसी प्रतिभा हमारे सामने आती है, श्री जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी ने कविताएं लिखी, उपन्यास लिखे, कहानियां लिखी, पर उनका नाटकों में एक ऐसा योगदान है कि ऐसा लगता है कि प्रसाद जी के नाटक तत्कालीन भारतीय इतिहास को हमारे सामने
प्राचीन इतिहास के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। प्रसाद जी के सामने संस्कृत नाटक की परंपरा थी, शेक्सपियर के नाटकों की परंपरा थी, पारसी नाटकों की परंपरा थी। तो इन तीनों परंपराओं को उन्होंने अपने नाटकों में शामिल करने की कोशिश की, इसलिए उनके नाटकों में कभी कभी ऐसा लगता है कि मंच थोड़ा पर्दे के पीछे चला गया है और वस्तु चरित्र ज्यादा केंद्र में आ गए, यानी शब्द बोला नहीं गया, लिखा गया, पढ़ा गया, ऐसा लगता है। इसलिए कुछ लोग तो कहते हैं कि प्रसाद के नाटक जो है वो साहित्यिक नाटक है, मंचीय नहीं है। लेकिन प्रसाद ने नाटक की जिस भाषा को इजाद किया था कुछ सीमाओं के साथ, उस भाषा को प्रसाद ने जिस मंच को संस्कृत नाटक की परंपरा से पारसी रंगमंच के साथ जोड़ते हुए वो आधुनिक काल में ले आए थे, उस मंच को बिल्कुल कहना चाहिए संशोधित किया, शोधित किया, अन्वेषित किया आधुनिक नाटक के मसीहा मोहन राकेश ने। मोहन राकेश का जो मंच है वो हमारी पूरी परंपरा को लेकर चल रहा है। आप पर्दे पर देख रहे हैं मोहन राकेश, जिनका जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ था अमृतसर में। विभाजन से पूर्व उन्होंने वो विभाजन की विभीषिका बहुत गहराई से झेली और 3 दिसंबर 1972 दिल्ली में उनका अवसान हुआ। आश्चर्य होता है कि मोहन राकेश ने यूं देखा जाए तो पूरे कद के 3 नाटक दिए, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे और लहरों के राजहंस। ये पूरे 3 कद के नाटक देकर हिंदी के आधुनिक नाटक का पूरा इतिहास उन्होंने अपने कंधों पर उठा लिया है। मैं तो कहूंगी कि आज भी हमारे सामने ये चुनौती है कि हमारा हिंदी नाटक मोहन राकेश से आगे जा सकता है या नहीं। कौन थे ये मोहन राकेश, जरा परिचय ले हम उनका। एक आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगी उनकी, तस्वीर देखिए आपके पर्दे पर है। उनका चेहरा देखकर हम समझ सकते हैं कि एक विचक्षण प्रतिभा हमारे सामने आती है। मोहन राकेश की डायरी भी छपी है, तो उस डायरी में उनकी बहुत सारी ऐसी सृजनात्मक संघर्ष की कहानी हमारे सामने आती है। राकेश जी का नाम यूं तो मोहन मदन मोहन गुगलानी था, लेकिन ये बड़ा लंबा लगा उनको, तो उन्होंने सोचा कि चलो इसको थोड़ा छोटा कर दे, मदन मोहन गुगलानी के बदले मदन गुगलानी किया, फिर मोहन गुगलानी किया और अंत में उन्होंने अपना नाम उपनाम मोहन राकेश चुना। उन्होंने संस्कृत और हिंदी में शिक्षा ग्रहण की थी, आरंभ में शिमला वगैरह में वो अध्यापन भी करते रहे, लेकिन उन्होंने देखा कि ये ढांचा उनकी सृजनात्मक प्रतिभा के अनुकूल नहीं था, तो उन्होंने स्वतंत्र लेखन किया, कहानी लिखी, उपन्यास लिखे, निबंध, डायरी, नाटक। आप पर्दे पर देख सकेंगे उनके तीनों नाटकों के चित्र, आषाढ़ का एक दिन, देखिए ये कुछ क्लिप्स आपके सामने आ रहे हैं मोहन राकेश के। आषाढ़ का एक दिन से मैं आपको कुछ चित्र दिखाना चाहूंगी, भरत भाई आप मेरी मदद कीजिए। ये देखिए आषाढ़ का एक दिन का पहला अंक जो है उसका वो दृश्य था, अंबिका और मल्लिका मुख्य दो स्त्री पात्र हमारे सामने आ रहे हैं। अब जो है दूसरा दृश्य भरत भाई, हाँ ये जो है दृश्य जिसमें अंबिका, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा हमें, हाँ ये अंबिका और विलोम बैठे हुए, बहुत महत्वपूर्ण है ये चरित्र विलोम का, मैं आगे बात करने वाली हूँ। और आगे एक जरा तस्वीर में हम जाएंगे, ये है उस नाटक का बहुत ही मार्मिक दृश्य, मल्लिका और प्रियंगु मंजरी, राजकुमारी प्रियंगु मंजरी और मल्लिका, उत्तरा बावकर ने ये अभिनय किया था। ये कहना चाहिए कि आषाढ़ का एक दिन एक ऐसा नाटक है जो सबसे ज्यादा खेला गया और जिस 1958 में छपा और 1959 में उसको संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार भी मिला। मैं आपको उस किताब के दर्शन भी करवाना चाहूंगी। देखिए जरा हमारे टेबल टॉप पर किताब का दर्शन करवाइए प्लीज। मोहन राकेश की डायरी है ये, उनके अंतरंग संसार का चित्र है। और आगे जरा देखिए आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे
और लहरों के राजा। हाँ, ये किताब आपको थोड़ी जर्जर लग रही है क्योंकि ये मेरे एमए के अध्यापन और अध्ययन के समय की किताब है। यही नाटक पढ़कर मैं नाटक देखना सीखी थी। लहरों के राजहंस, पैर तले की जमीन, ये उन्होंने अधूरा छोड़ा था नाटक, जो बाद में कमलेश्वर ने पूरा किया। एक और नाटक रहा आधे अधूरे। हाँ, एक किताब अभी अभी आई है, पूर्वाभ्यास, मोहन राकेश के, कुछ एकांकियों का ये संकलन है। और भारतीय रंगकोश में हिंदी नाटक की जो जगह मोहन राकेश ने बनाई है उसको हम भूल नहीं सकते। अषाढ़ का एक दिन की बात हम करने वाले हैं। भरत भाई, आपके मन में कोई सवाल हो तो जरा। मैडम, मोहन राकेश का जो जीवन है उस जीवन कैसा रहा जिससे ऐसे नाटककार के रूप में वो उभरा है, और उनके नाटककार पर उनके जीवन का क्या असर रहा है? वैसे मैं भरत भाई बहुत रचनाकार और उसके जीवन को जोड़ने के पक्ष में नहीं, क्योंकि राकेश के नाटक में आप देखेंगे ना तो आप अनुभव करेंगे कि उन्होंने पहले नाटक अषाढ़ के एक दिन में कालिदास को अपना नायक चुना। कालिदास उनका संस्कृत का पूरा अध्ययन, उनके दो नाटक है वो संस्कृत साहित्य से प्रभावित और प्रेरित है। उनका पहला नाटक आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ प्रथम देव से, कालिदास का मेघदूत, उसकी पहली पंक्ति का पहला शब्द, और दूसरा नाटक है लहरों के राजहंस। वो नाटक उनका अश्वघोष, संस्कृत के बहुत बड़े महाकवि जिनकी रचना सौंदर नंद पर आधारित है। नंद गौतम बुद्ध का छोटा भाई था और नंद की एक चेतना अपने बड़े भाई के साथ जाना चाहती है और एक संसार में रहना चाहती है। तो संसार राग और वैराग्य का जो द्वैत है वो लहरों के राजहंस में उन्होंने नाटक में प्रस्तुत किया है। ऐसा लगता है कि क्या वो बुद्ध के जमाने की बात करना चाहते हैं, इतिहास में ही रहना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। प्रसाद ने इतिहास के माध्यम से राष्ट्रीयता की चेतना को व्यक्त किया, तो मोहन राकेश ने इतिहास के माध्यम से आधुनिक चेतना को व्यक्त किया है। और ये आधुनिक चेतना सबसे पहले आषाढ़ का एक दिन में कालिदास के माध्यम से हमारे सामने आती है। कालिदास कौन है? किस्सा हम जानते हैं। संस्कृत में एक ऐसी किंवदंती है कि कालिदास तो बिल्कुल अनपढ़ गवार था, बिल्कुल मवेशियों को चराने का ही उसका काम था। लेकिन उज्जैन के राजा की राजकुमारी प्रियंगमंजरी ने बहुत सारे राजकुमारों को नकार दिया, हमें वो अपने आप को विदुषी समझती थी। तो उस मंत्री ने सोचा कि राजकुमारी को सबक सिखाया जाए, तो एक अनपढ़ गवार को लेकर वो आ गया, और कैसे भी ये हादसा हुआ कि प्रियंगमंजरी के साथ कालिदास का विवाह हो गया। कालिदास की बौद्धिकता का प्रमाण ये भी लोग कहते हैं कि वो जंगल में एक पेड़ की शाखा काट रहा था, तो जिस शाखा पर बैठा था वो शाखा काट रहा था। हम समझ सकते हैं कि वो उसकी बौद्धिकता का विकास कहां तक हुआ होगा। खैर, मंत्री ने तो बदला लेने के लिए राजकुमारी के साथ ये जोड़ी बैठा दी। राजकुमारी बहुत आहत हुई, लेकिन उससे भी ज्यादा कालिदास आहत हुआ। और कहते हैं कि कालिदास ने ग्रह त्याग किया और महा माता कालिका की आराधना की। आज भी उज्जैन में गढ़ कालिका नाम का एक स्थान है, जब भी जाने का मौका मिले हमें तो हमें जरूर जाना चाहिए। वो गढ़ कालिका जिसने कालिदास को सरस्वती का वरदान दिया था, कालिदास ने उस वरदान के माध्यम से आगे चलकर जो महाकाव्य रचे वो तो संस्कृत साहित्य का अपूर्व आभूषण है। विश्व में शाकुंतल हमारी एक भारत की पहचान बनकर उभरा है, हम सब जानते ही हैं। ये कालिदास कहाँ था? गांव में रहता था, पशु चराता था। उस बात को लेकर मोहन राकेश एक सृजनात्मक प्रतिभा की द्विधा को, एक उखड़े हुए व्यक्तित्व को, एक पलायनवादी मनुष्य की चेतना को कैसे हमारे सामने ले आते हैं, वो है आषाढ़ का एक दिन का मूल वस्तु। 3 अंक में फैला हुआ है नाटक, तीनों अंक में एक ही दृश्य है और समय बदलता है, जगह एक ही है और दिन भी एक है। हर बार बारिश का वो दिन आषाढ़ का एक दिन, लेकिन हर बारिश का अर्थ अलग,
कहते कि कालिदास की प्रिय ऋतु वर्षा ऋतु थी। मेघदूत में हम देख रहे हैं कि पूरी वर्षा ऋतु का जो उन्होंने अद्भुत वर्णन किया है, क्यों वर्षा ऋतु उन्हें प्रिय रही होगी। कालिदास प्रेम के कवि हैं, श्रृंगार के कवि हैं, और वर्षा ऋतु में ही प्रेम परवान चढ़ता है और धरती के कोख से बीज अंकुरित होता है। इसलिए वो वर्षा के साथ श्रृंगार का बहुत अच्छा, हालांकि वसंत के साथ लोग जोड़ते हैं रिश्ता, पर यहाँ पहले अंक में कालिदास की सखी मल्लिका का घर है। मल्लिका, ऐसा कह सकते हैं हम कि हिंदी साहित्य का एक अपूर्व चरित्र है। आज तक उस चरित्र की ऊंचाई को कोई दूसरा स्त्री चरित्र छू नहीं पाया है, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है मेरी सोचने की मर्यादा हो। ये मल्लिका जो है गांव की युवती है और कालिदास की सखी है और कालिदास की रचनात्मकता को बहुत गहराई से प्रेम करती। उसकी माँ अंबिका, नाटक में स्त्री पात्र देखा जाए तो चार पांच ही है, अंबिका, मल्लिका, प्रियंगु मंजरी और दो और स्त्री पात्र आते, रंगिणी और संगिणी। ये नाम भी ऐसे हैं और पात्र भी ऐसे हैं, आप जब पढ़ेंगे तो आप उसका अर्थ भी पहचान पाएंगे। मोहन राकेश ने अपने नाटकों में जो प्रतीकात्मकता का विनियोग किया है, यथार्थवादी मंच लिया है और उसमें प्रतीकात्मकता वो ले आए हैं, और वो प्रतीकात्मकता कहाँ से आई है, संस्कृत नाटकों से उन्होंने ली है, क्योंकि उसका वो अध्ययन कर चुके थे। अंबिका गांव में अकेली रहती है, उसके लिए चिंता का विषय है कि मल्लिका का विवाह हो जाए, लेकिन मल्लिका इस समय कालिदास की रचनात्मक चेतना के भरपूर प्रेम में है। पहला दृश्य है, आई है मल्लिका, वर्षा में भीग कर आई है। राकेश ने पहली बार अपने नाटकों में ऐसी संस्कृतनिष्ठ हिंदी का प्रयोग किया जो वाचिक है, जो कथन की भाषा है, जिसे हम कहें स्पोकन वर्ड्स हैं। भाषा वही है लेकिन हर चरित्र का अपनी भाषा का पोत है। विलोम भी हिंदी बोलता है, कालिदास भी बोलता है, मातुल भी हिंदी बोलता है, लेकिन सबकी हिंदी अलग है। प्रसाद जी के नाटकों में जो हिंदी हुआ करती थी वो स्टीरियोटाइप होती थी। राजा की भाषा भी वही, सेनापति की भाषा भी वही, साधु की भाषा भी वही और नौकर की भाषा भी वही। राकेश ने पहली बार लैंग्वेज रजिस्टर क्या होता है उसका एक निदर्शन आषाढ़ का एक दिन में उन्होंने प्रस्तुत किया। मल्लिका भीग कर आई है और केवल वर्षा में नहीं भीगी है, एक पहली वर्षा का अनुभव उसने कालिदास के सानिध्य में किया है। पहाड़ी पर प्रकृति के वातावरण में उसने कालिदास के साथ पहली वर्षा की बूंदें अपने मन पर और अपने तन पर ग्रहण की है। वो आर्द्रता, वो भीगापन प्रेम का भी है और वर्षा का भी है और उसकी चेतना का भी है। मल्लिका की संवेदनशीलता का ये एक प्रतीकात्मक दृश्य हमारे सामने आता है। पता चलता है कि माँ ने भेजा था किसी को उसके लिए वर ढूंढने, लेकिन वो लौट आया है। वो कहती है मुझे विवाह नहीं करना है, और मेरे विवाह का निर्णय करने वाला कौन, ये मेरा स्वतंत्र, मेरा निजी प्रश्न है, इसके लिए गांव वालों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम सब जानते हैं कि व्यक्ति की कामना और समाज की नीतियों के बीच, रीतियों के बीच हमेशा एक तनाव बना रहा है, और ये तनाव मल्लिका झेलती है। कहती है अंबिका से कि मैंने तो कालिदास से जो मैं प्रेम कर रही हूँ उसमें मैं किसी अपेक्षा से नहीं जा रही हूँ। मैं नहीं कहूँगी उससे कि तुम मुझसे विवाह करो, क्यों, क्योंकि मैंने तो भावना में भावना का वर्ण किया है। ये संवाद, ये वाक्य हिंदी साहित्य के नाटकों में चिरस्मरणीय हो गया है। कहते हैं कि राकेश के नाटकों की भाषा सूत्रात्मक हुआ करती है। एक जगह आगे भी आपको ऐसे संवाद बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ये संवाद तीन बार आया है और तीनों बार उसका अर्थ बदल गया है। एक ही वाक्य काकू का प्रयोग क्या होता है, हम लोग पेपर सात में शब्द शक्ति पढ़ते हैं, लक्षणा, व्यंजना और अभिधा की बात हम जानते हैं, लेकिन एक ही वाक्य अभिधा कब बनेगा, लक्षणा कब बनेगा और व्यंजना कब बनेगा, इसके बहुत सारे उदाहरण हमको मोहन राकेश में मिल सकते हैं। मल्लिका अपनी माँ के साथ बहस में जुड़ी है, लेकिन माँ को ये मल्लिका की भावुकता, ये रोमांटिसिज्म
बिल्कुल उचित नहीं लगता, क्योंकि माँ ने कठोर जीवन का वास्तव देखा है। वो ऐसी जमीन पर खड़ी और वो देख रही है अपनी बेटी का भविष्य। मल्लिका मानो ऐसा लगता है कि अंबिका का अतीत है और मल्लिका के सामने अंबिका जो है वो मल्लिका का भविष्य है। मानो उसी समय कालिदास का प्रवेश होता है। किसी भी नाटक को पढ़ते समय हम ये देखें कि कोई चरित्र जब आता है तो किस अदा के साथ, किस वाक्य के साथ, किस अंदाज के साथ आता है, उसके द्वारा उस चरित्र की रेखाएं हमारे मन में बन जाती, अंकित हो जाती। कालिदास आ रहा है, उसकी गोद में एक घायल हरिण शावक है। मुझे विचार आया कि ये हरिण शावक क्यों आया, कोई और चीज नहीं हो सकती थी, कोई पंछी नहीं हो सकता था, कबूतर नहीं हो सकता था, आहत प्रेम का यूं भी शांति का दूत, नहीं हरिण शावक है, क्योंकि मल्लिका की आंखें हरिण जैसी। और पहले अंक में कालिदास की गोद में आहत हरिण शावक है और इस नाटक के तीसरे अंक में अंतिम दृश्य में मल्लिका की गोद में एक छोटी सी बच्ची है रोती हुई। ये दो दृश्य और इन दोनों दृश्यों के बीच एक प्रेम कथा का विकास हो रहा है, लेकिन ये प्रेम कथा किसी सामान्य व्यक्ति की नहीं है, ये प्रेम कथा रचनात्मक चेतना की है। एक प्रेम कथा एक संवेदनशील चेतना की है। मल्लिका तो साक्षात भाव मूर्ति है और कालिदास साक्षात द्विधा मूर्ति। आते हैं कालिदास और कहते हैं कि किसी ने इसको घायल कर दिया है और इस ग्राम प्रदेश में कोई पेड़ का पत्ता भी बेवजह नहीं तोड़ा जा सकता, तो ये किसी पशु के साथ तो ऐसा कैसे हो सकता है। दंतुल का आगमन होता है, जिसने इसका शिकार किया, वो कहता है ये मेरा है हरिण, क्योंकि मैंने इसका शिकार किया है। शिकार हुआ है, राज सत्ता ने रचनात्मक चेतना का शिकार किया है और यही शिकार आगे चलकर ये बाण मल्लिका को भी लगने वाला है। वो प्रेम का बाण नहीं है, ये राज सत्ता का बाण है। दंतुल आया है, वो कालिदास को उज्जैनी ले जाना चाहता है और कालिदास की रचनाएं राजा विक्रम ने पढ़ी है और वो चाहते हैं कि कालिदास उनके दरबार की शोभा बढ़ाएं। कवि का प्रश्न है कि वो जाएं या ना जाएं। अगर जाते हैं तो राज्य सत्ता मिलेगी, यहाँ तो गांव में सब कहते हैं कि तो अनपढ़ गवार है, पशु चराता है और मामा मातुल हमेशा उसके लिए गालियां बकता रहता है कि मेरा भांजा बहुत बेकार है। तो कालिदास जाना नहीं चाहते क्योंकि उसे भय है कि अगर वो यहाँ से जाएगा तो ग्राम प्रदेश की रचनात्मक ऊर्जा से वो बिछड़ जाएगा। एक पौधा एक जमीन से उखाड़ कर दूसरी जमीन में जब लगाते हैं तो पौधा तो शायद लग जाए, पेड़ नहीं लगता, ये हम सबका अनुभव है। कालिदास की एक विकसित चेतना, वो जानता है कि अगर वो यहाँ से गया तो संभव है कि उसकी प्रेरणा का सोता सूख जाएगा, इसलिए वो जाना नहीं चाहता। लेकिन मल्लिका उसे सहमत करती है कि तुम जाओ। क्यों? क्योंकि योग्यता जो है उसका एक अंश, तीन चौथाई अंश प्रतिभा के द्वारा प्रकट होता है, लेकिन उसको जब प्रतिष्ठा मिलती है तभी वो परवान चढ़ती है। योग्यता प्रतिभा को प्रतिष्ठा मिलना बहुत अनिवार्य है। कई बार हम सोचते हैं कि रचनाकारों को पुरस्कार दिए जाते हैं तो उसका क्या मतलब है। आषाढ़ का एक दिन को सन 1960 में संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिला था। क्यों? पुरस्कार से रचना प्रकाशित होती है, उद्भासित होती है और रचनाकार को एक धक्का मिलता है, वो और बड़ी चुनौती लेने के लिए अपने आप को तैयार करता है। कालिदास उज्जैन जाते हैं। अंबिका बहुत चाहती है कि जाने से पहले मल्लिका उससे कहे विवाह के, लेकिन मल्लिका कहती नहीं, मैं किसी शर्त पर अपने प्रेम के संबंध को परिभाषित करना नहीं चाहती। कालिदास खुद चाहेंगे, वो कहेंगे, मैं नहीं कहूंगी सामने से। ये मल्लिका का आत्मसम्मान, उसके चरित्र की ट्रेजेडी का कारण भी है और उसके चरित्र की उज्जवलता का कारण भी है। वो कालिदास से नहीं कहती। कालिदास चले जाते हैं। जाते समय उसे अफसोस है कि मैं जाऊंगा तो किन किन चीज़ों से बिछड़ जाऊंगा। मल्लिका चाहती है कि वो कहे कि तुमसे बिछड़ जाऊंगा, नहीं,
वो कहते मैं इस गांव से बिछड़ जाऊंगा, इस प्रकृति से बिछड़ जाऊंगा, ये हरण शावकों से बिछड़ जाऊंगा, इन मेघों से बिछड़ जाऊंगा, और सबसे अंत में कहते हैं मल्लिका से बिछड़ जाऊंगा। मल्लिका के लिए कालिदास सर्वस्व है, कालिदास के लिए मल्लिका जीवन के बहुत सारे अंशों में से कोई एक अंश है। ये पुरुष चेतना का भी प्रतीक है। स्त्री और पुरुष प्रेम को लेकर जिस तरह से अलग अलग ढंग से सोचते हैं, अनुभव करते हैं, पुरुष के लिए प्रेम जीवन के बहुत सारे तत्वों में से एक है, स्त्री के लिए प्रेम जीवन का पर्याय है। कालिदास चले जाते हैं, वहाँ जाने के बाद उनका प्रियंग मंजरी से विवाह होता है, उनकी रचनाएं प्रकाशित होती है। बीच में एक बार वो लौट कर आते हैं, उन्हें कश्मीर का राजा बनाया जाता है। आते समय वो गांव में होकर जाना चाहते हैं, क्योंकि वो प्रियंग मंजरी देखती है कि कालिदास राजमहल में भी बहुत उदास रहते हैं। वो सोचती है कि ये कवि क्यों दुखी हैं, मैं उनकी सारे अभावों की पूर्ति करना चाहती हूँ। इसलिए प्रियंग मंजरी गांव में वापस आती है। आपने एक तस्वीर देखी थी अभी, जिसमें प्रियंग मंजरी और मल्लिका दोनों आमने सामने, देखिए ये, और प्रियंग मंजरी प्रस्ताव लेकर आई है, क्या कि मल्लिका मैं तुम्हारे इस पुराने घर का एक तरह से न संस्कार करना चाहती हूँ, इतना ही नहीं मैं तुमको साथ ले जाना चाहती हूँ, तुम चाहो तो किसी राज अधिकारी से विवाह करके हमारे साथ चलो, क्योंकि कभी कभी कालिदास तुमको याद करके उदास हो जाते हैं। प्रियंग मंजरी संबंधों को बहुत सतही तरीके पर सपाट ढंग से सोचती है, ऐसा लगता है राजकुमारी है, उसकी चेतना इतनी सूक्ष्म संवेदना को अनुभव करने की क्षमता शायद नहीं रखती है। मल्लिका को बहुत अपमान लगता है, वो उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं करती। मल्लिका चाहती कि एक बार कालिदास उससे मिलने आए, लेकिन कालिदास उससे मिले बिना ही कश्मीर चले जाते हैं। दो बार पहले अंक में भी राज सैनिक घोड़ों पर आए हैं, खिड़की से वो दृश्य दिखता है। दूसरे अंक में भी राज सैनिक वहाँ से गुजरते हैं, उसकी आवाज़ें सुनाई देती है। सत्ता मल्लिका के घर के पास से जब जब गुजरी है, मल्लिका के जीवन पर कोई ना कोई कहर ढाकर गई है। ये अंबिका ने भी कहा है कि जब जब ये राज सी आकृतियाँ दिखाई देती हैं, तब कुछ न कुछ गड़बड़ होती है, ऐसा वो कहती। कालिदास में वो साहस नहीं कि वो आज विवाह के बाद मल्लिका से आँखें मिला सके। मल्लिका को एक बहुत बड़ा आघात लगता है। तीसरा अंक, इस बीच एक ऐसा चरित्र, कहते कि हिंदी नाटक में एक ऐसा खलनायक आया जो ठीक नायक का प्रतिनायक है, एंटी हीरो जिसको कहें, आप लोग तो जानते ही हैं एंटी हीरो प्रतिनायक की परिभाषा हमको किसने दी, अमिताभ बच्चन को जो जो भूमिकाएं मिली जंजीर फिल्म के बाद, उसने पहली बार वो परिभाषित किया कि प्रतिनायक क्या होता है, नायक और प्रतिनायक। तो कालिदास और विलोम उस गांव में रहने वाला एक युवक है, वो भी मल्लिका को चाहता है और हमेशा कालिदास के साथ स्पर्धा भी अनुभव करता है, लेकिन वो बिल्कुल कालिदास को पहचानता है। ऐसा लगता है कि कालिदास की वो नेगेटिव है, तस्वीर में दो होती हैं जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, खैर अब तो डिजिटल का ज़माना रहा तो नेगेटिव वाली बात भी नहीं रही, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे दो चरित्र हैं। और वो बार बार मल्लिका को कोंचता है कि क्यों कालिदास नहीं आ रहा, वो मल्लिका को मानो एहसास दिलाना चाहता है कि तुम कालिदास को पहचान लो। ये एक द्विधायुक्त एक ऐसा मानस है जो हमेशा संकल्प और विकल्प में रहता है, कभी निर्णय नहीं करता, और जब निर्णय की घड़ी आती है तब वो पलायन कर जाता है। आधुनिक मनुष्य की चेतना निर्णय लेने में हमेशा द्विधा अनुभव करती रही है, क्योंकि जितना वो विकसित है, जितना वो जागरूक है, उतना ही उसका वर्ण का प्रश्न संकटपूर्ण हो जाता है। सार्त्र कहता है कि हम स्वतंत्र हैं चुनने के लिए, और चुनना ही पड़ेगा हमें, और जहाँ भी चुनने की जिम्मेदारी आती है वहाँ हमारी चेतना संघर्ष अनुभव करती ही है। कोई हमें पैकेट में कोई निर्णय दे दे तो हमारे लिए सरल हो जाता है, लेकिन जब हमारे सामने विकल्प रख दिए जाए तो जिम्मेदारी भी आती है, संघर्ष भी आता है। कालिदास के साथ वो आधुनिक मनुष्य की विकल्प की संकल्प की ये द्विधा भी हमेशा लगी रही। कालिदास आया नहीं, लेकिन तीसरे अंक में अकेली मल्लिका है, माँ रही नहीं है,
और अब आजीविका का प्रश्न है। पता चलता है कि वो कैसे भी जीवन गुजार रही है। पता चला कि कालिदास ने कश्मीर का राज्य छोड़ दिया, वो साधु सन्यासी बन गया है। ये भी एक किस्सा है, कालिदास के जीवन की जो कथा है उसमें एक संदर्भ ये भी है कि कालिदास ने गृह त्याग किया था और बाद में वो साधु बन गए थे या किसी गणिका के वहाँ गए थे, ऐसा भी एक किस्सा है जिसका यहाँ पर नाटक में उपयोग किया गया है। कालिदास चले गए हैं, ये बात जब मल्लिका जानती है तब उसे बहुत आघात लगता है। उसे लगता है कि मैंने तुम्हारी सृजनात्मक चेतना को इतना अवकाश दिया, अपने आत्मसम्मान को बीच में न लाकर तुम्हें पूर्ण मुक्ति का अनुभव करने का अवसर दिया और तुमने क्या किया, मेरे सारे समर्पण को, मेरे त्याग को इतना व्यर्थ कर दिया। वो उस समय देखती है, उसके पास वो कालिदास के सारे ग्रंथ हैं जो कालिदास ने लिखे हैं, एक एक पाई पाई बचाकर उसने वो ग्रंथ पथिकों से, प्रवासियों से मंगवाए हैं, हस्तलिखित ग्रंथ। और एक ग्रंथ उसने बनाया है भोजपत्र का। भोजपत्र जो होता है वो पेड़ के पत्ते नहीं होते, पेड़ की खाल होते हैं और बिल्कुल आप एक एक पतली पतली तह पर भी उस पर लिख सकते हैं। आज भी हम लोग अगर अवसर मिले कभी उत्तरांचल में जाने का, गंगोत्री या अमरनाथ की ओर, तो ये पेड़ देखने को मिलता है। वो अंतिम पेड़ है जो हिमालय में होता है, उसके बाद कोई पेड़ पौधा वहाँ पलता नहीं। खैर, उसने एक ग्रंथ बनाया है जिसमें उसने सोचा है कि कालिदास एक ऐसा काव्य लिखेंगे जो विश्व प्रसिद्ध होगा, चिरस्मरणीय होगा। वो अपने कवि को, अपने प्रियजन को क्या उपहार में देगी, एक ऐसा कोरा कागज़ जिस पर वो कवि अपने नए युग की अभिव्यक्ति कर सके। वो देख रही है अपने ग्रंथों को और उसी समय वहाँ पर घनघोर बारिश में कालिदास का आगमन होता है। कालिदास लौटा है, यह सोच कर आया है कि फिर एक बार मैं मल्लिका के साथ अथह से आरंभ करूँगा। ये बहुत अद्भुत उनका संवाद है, नाटक में बार बार कोट भी किया जाता है। लेकिन वो जब कहता है कालिदास कि हम क्या अथा से आरंभ नहीं कर सकते, तब वो कहती है, वो कुछ कहने जाती, उसी समय अंदर के कमरे से एक छोटी बच्ची की रोने की आवाज़ आती। मानो वो भावी मल्लिका है और मल्लिका अब भावी अंबिका बन चुकी है। कालिदास चौंक जाता है, वो पूछता है कौन है। यह मेरा वर्तमान है। अभाव के प्रकोष्ठ में न जाने कितनी ही आकृतियाँ आई। मल्लिका को वारांगना का जीवन जीना पड़ा है और चारों ओर से टूट कर भी उसने अपने हृदय में जो भावना में भावना का वर्ण किया था वो जगह खाली नहीं होने दी। कालिदास आज भी वहाँ चिरस्मरणीय स्थान लेकर बैठा हुआ है। कालिदास ने सोचा था कि समय के साथ वो स्पर्धा कर सकेगा, वो समय को पराजित कर देगा, लेकिन वो देखता है कि समय बहुत आगे निकल चुका है और कालिदास में वो साहस नहीं कि वो मल्लिका का यह वर्तमान स्वीकार करे। वो चला जाता है। मल्लिका अंदर से रोती हुई बच्ची को लेकर आती है, देखती है दरवाज़ा खुला है, बाहर बारिश हो रही है और वो अंधेरे में गुम होती एक आकृति को देखते हुए वहीं स्तब्ध हो जाती। 3 अंक में फैला हुआ ये नाटक हमारे सामने बहुत सारे सवाल खड़े कर जाता है। क्या है ये प्रेम का स्वरूप? कुछ लोग कहते हैं ये प्रेम का नाटक है,